हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली ब्रेकफास्ट की रेसिपी, या आप लोग इसे स्नैक भी बोल सकते हैं, मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी और ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है। दोस्तों, आप लोग घर पर एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और मैं भी इसे घर पर फर्स्ट टाइम ही बनाई थी और बहुत ही अच्छा बना था ये दोस्तों। तो इसे ना मैं ब्रेड से बनाई हूँ और मिक्स वेजिटेबल से, मतलब जो मैं वेजिटेबल ली हूँ, अगर आपके पास अवेलेबल ना भी हो दोस्तों, तो आप लोग के पास जो भी वेजिटेबल उपलब्ध होगा वो आप डाल के इसमें बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं दोस्तों, और बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनी है। और न्यू सब्सक्राइबर प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पर मैं ली हूँ बॉयल आलू और इसे मैं अच्छे से बॉयल कर ली हूँ। और यहाँ पर मैं देखिए सब्जियाँ ली हूँ, जैसे कैप्सिकम, चुकंदर, बीटरूट, गाजर और अदरक लहसुन को इस तरह से मैं दरदरा कूट दी हूँ। मिर्च, प्याज इस तरह से मैं कट कर ली हूँ सभी को। और ये मैं कॉर्नफ्लोर ली हूँ दोस्तों। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पनीर ली हूँ, आपके पास नहीं भी है तो आप लोग नहीं ले सकते हो। और मैदा ली हूँ, और यहाँ पे ली हूँ मैं ब्रेड क्रम्स। तो और ये दो दो चम्मच के लगभग कॉर्नफ्लोर और दो चम्मच के लगभग मैं ली हूँ मैदा। और ये मैं ब्राउन ब्रेड ली हूँ दोस्तों, अगर आपके पास व्हाइट वाला ब्रेड भी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले इसका घोल रेडी कर लेती हूँ, और इसे मैं घोल रेडी करके थोड़ा देर के लिए मैं रख दूँगी, ताकि अच्छे से हमारा घोल जो है वो सेट हो जाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं दोस्तों जो मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, उसी चम्मच से मैं दो चम्मच कॉर्नफ्लोर और दो चम्मच मैदा में ली हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालकर मैं काली मिर्च का थोड़ा सा डाली हूँ पाउडर। और इस तरह से हमें इसकी थिकनेस रखनी है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पे मैं ली हूँ कढ़ाई, तो मैं जो ब्रेड के अंदर स्टफिंग बनाऊँगी। तो चलिए यहाँ पे मैं अदरक लहसुन को भी अच्छे से भून लेती हूँ, और मैं यहाँ पर प्याज डाल देती हूँ। प्याज डाल के भी हमें अच्छे से भून लेना है। तो फटाफट से मैं इसे कर लेती हूँ। इसका जो स्टफिंग बनता है दोस्तों, और बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पे सभी सब्जियाँ हैं वो मैं डाल दी हूँ, जैसे गाजर, बीटरूट और कैप्सिकम। अगर आपके पास नहीं भी है दोस्तों तो बीन्स आप इसके जगह डाल सकते हैं, और गाजर डाल सकते हैं, चुकंदर ना हो और कैप्सिकम ना हो तो। चलिए ये मैं थोड़ा इसे भून ली थी सब्जियों को, उसके बाद मैं यहाँ पर आलू को इस तरह से मैश करके डाल दी हूँ। तो मैं इसे मैसर से नहीं मैसी हूँ दोस्तों, क्योंकि आलू हमारा बहुत अच्छे से बॉयल है, तो ये जो है ना वो भूनते भूनते ही अच्छा से एकदम मिक्स हो जाएगा। और मैं यहाँ पर डाली हूँ कॉर्नफ्लेक्स और ऑरेगानो और चिली फ्लेक्स डाली हूँ। और यहाँ मैं डाली हूँ थोड़ा सा आधा चम्मच के लगभग आमचूर पाउडर, और इसे मैं डालकर मिक्स कर ली हूँ। थोड़ा सा धनिया पत्ता भी, फ्रेश कोरिएंडर लीफ डाली हूँ, और इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। तो हमारा जो ये स्टफिंग है वो बनकर रेडी है। तो मैं गैस को जो है बंद कर दी थी, उसके बाद मैं यहाँ पर पनीर को डालकर थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ। पनीर को मैं भूंजी नहीं हूँ दोस्तों, इसे मैं इसी तरह से डाल रही हूँ। तो मेरा ये स्टफिंग बनकर रेडी है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ कढ़ाई से, और चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो चलिए ब्रेड के अंदर हम इसकी जो स्टफिंग बनाया है उसको फिलिंग कर देंगे, भर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्रेड का जो किनारा है उसे मैं कट करके हटा देती हूँ। और इसका जो ब्रेड क्रम्स बनता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा बनता है। जो मैं किनारा हटा रही हूँ उससे भी आप लोग ना, अगर आप ब्रेड क्रम्स आप लोग के पास वाइट वाला ना हो तो आप लोग इसी का भी, इसका जो ये मैं किनारे का पार्ट हटाई हूँ उसे मिक्सी में रोक रोक कर पीस लें, तो ब्रेड क्रम्स अच्छा बन जाएगा दोस्तों। तो चलिए ये मैं बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो मैं सारे वाइट किनारे वाला, मतलब किनारे वाले पार्ट्स को हटाती हूँ, और इसे मैं यहाँ पे मैं ली हूँ दूध, और ये दूध में इसे मैं डीप करके अच्छे से, मतलब ये ब्रेड को भिंगा लूँगी, ताकि जो मैं इसके अंदर स्टफिंग भरूँ वो काफ़ी अच्छा सा, मतलब फीलिंग जो है वो हमारा भरा जाए। तो चलिए ये मैं अच्छे से भिंगा ली हूँ, दूसरे को भी मैं अच्छे से गीला कर लेती हूँ दूध में। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें गीला कर लेते हैं। अगर यहाँ पे दूध के जगह आप पानी भी डाल सकते हैं,
यहाँ पे आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं देखिए इसमें जो स्टफिंग बनाकर मैं रखी थी उसे फटाफट से मैं इसमें भर लेती हूँ। और यहाँ पे जैसे समोसा बनता है ना दोस्तों, मैं उस तरह से सेब दे रही हूँ। आप लोग चाहे तो चरखुटी या गोल का भी सेब देकर बना सकते हैं। तो चलिए ऊपर से भी मैं इसे कवर कर देती हूँ, और दोनों ब्रेड से इस तरह से हमें कवर कर देना है। और ये ब्रेड भीगने के बाद ना दोस्तों बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, और ये जल्दी से एक दूसरे में चिपक जाएगा और काफ़ी अच्छा बनकर रेडी होगा दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो चलिए किनारे किनारे इसको मैं बंद कर देती हूँ अच्छे से, ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो बाहर ना आए। तो चलिए मैं इसे अच्छे से दबाकर प्रेस करके इसे बंद करती हूँ। और जो मैं कॉर्नफ्लोर और मैदा का जो बनाई हूँ घोल, उसमें पहले इसे मैं डीप करूँगी। और डीप करने के बाद मैं ब्रेड क्रम्स, ये मेरा होममेड ब्रेड क्रम्स नहीं है दोस्तों, इसे मैं बाज़ार से लाई हूँ। मैंने आपको वीडियो के आगे में भी बताया था कि आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो जो ब्रेड का जो किनारे वाला पार्ट्स मैं हटाई हूँ उसे आप मिक्सी में पीस कर बना सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा बनेगा। मगर मेरे पास ये था ब्रेड क्रम्स, तो मैंने इसी का यूज कर ली हूँ और इसे मैं बाद में यूज कर लूँगी। तो चलिए ये देखिए बनाकर मैं एक रेडी कर ली हूँ। और अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों, सेकेंड वाला भी देख लीजिए, मैं एक बार और आप लोग को बनाकर दिखा देती हूँ किस तरह से मैं इसे बनाई हूँ। तो इसे मैं दूध में पहले ब्रेड को डीप कर ली हूँ, उसके बाद उसका जो एक्स्ट्रा दूध था वो मैं इस तरह से देखिए हाथों से प्रेस करके निकाल ली हूँ। तो इसी तरह से करना है दोस्तों, दोनों साइड के हिस्से को दूध में भिगाकर उसका एक्स्ट्रा दूध जो है वो निकाल देना है हाथों से प्रेस करके। तो चलिए स्टफिंग भरकर मैं ऊपर से इसे कवर कर देती हूँ दूसरे ब्रेड से। तो इसी तरह से बस बनाना है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह से जब बनती है दोस्तों तो बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए इसे किनारे में बंद कर देती हूँ। और प्लीज़ दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए मैं आगे इसे किस तरह से बनाई हूँ। तो और न्यू सब्सक्राइबर से मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। तो चलिए मैं इसे कॉर्नफ्लोर और मैदे के एक होल में डीप कर ली हूँ, और इसे मैं ऊपर से ब्रेड क्रम्स को इस तरह से लगा देती हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, और बहुत ही ये क्रिस्पी स्नैक बनकर रेडी होती है। आप लोग शाम के समय भी, अभी तो बारिश का मौसम है तो आप लोग शाम के समय भी इसे बनाकर खा सकते हैं। तो मैं 3-4 इसे रेडी कर ली हूँ, और मेरा जो ऑयल था वो अच्छा से एकदम मैं गर्म कर ली थी। और इसके बाद मैंने यहाँ पर जो सारे ब्रेड्स बना के रखी हूँ वो मैं डाल के फटाफट से मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो चलिए देख सकते हैं आप लोग, तो इसे मैं फ्राई होने देती हूँ तब तक। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए ये फ्राई हो चुका है, एक साइड से बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आ चुका है। तो मैं इसे पलट कर दूसरे साइड भी अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो इसे मैं अच्छे से पलट लेती हूँ। आप लोग घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होती है। चाहे आप इसे ग्रीन चटनी के साथ, या मैं तो इसे टमाटो केचप के साथ यूज की मतलब खाई हूँ। अगर आप लोग के पास ग्रीन वाली चटनी है या बादाम वाली चटनी है उसके साथ भी आप लोग खा सकते हैं दोस्तों, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा एक बार घर पर मेरे तरीके से, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ दोस्तों, और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग हमारे फ्रेंड बनते हैं। तो चलिए ये दूसरा बिट भी हमारा हो चुका है, और इसे मैं सर्व कर लेती हूँ एक प्लेट में। तो देखिए मैं इसे सर्व भी कर ली हूँ, प्लेट में निकाल भी दी हूँ, और इसे मैं एक तोड़ कर दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छी बनी है दोस्तों, और इसकी स्टफिंग देख रहे हैं बहुत ही अच्छी, इसकी फीलिंग भी बहुत ही अच्छी।